बेटी के पिता को इससे ज्यादा खुशी क्या मिलेगी कि उसकी बेटी को मनचाहा साथी मिल रहा है। बस एक विनती है आपसे, दिल्ली में हमारा पुश्तैनी मकान है, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी नताशा वहीं से विदा हो। जी जरूर। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। अब तुम यहीं आराम करो। अंकल सुबह से माइग्रेन का दर्द है, इसे बजा लो, एक मिनट भी रेस्ट क्यों? पर अंकल सबको नाश्ता। एक्सक्यूज मी, कोई भूखा नहीं रहेगा, आपके बिना भी मैनेज हो जाएगा। अंकल इसे उठने मत दीजिए। देखिए ना अंकल कैसे। ठीक ही तो कह रहा है प्रेम बेटा, थोड़ा बहुत आराम तो करना ही चाहिए। जी भर के आराम ही करना है। अब मुझे चिंता किस बात की? सो तो है, घर की और संध्या की सारी जिम्मेदारी अनुज और नताशा संभाल लेंगे, और फिर तेरे हाथों में प्रेम के नाम की मेहंदी। भूषण सच कहता था, प्रेम तेरा बहुत दूर तक साथ देगा। सच बेटी, ऐसा प्यार ना कहीं देखा ना सुना, इतना गहरा प्रेम और उस पर इतना संयम। शादी के बाद तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, और अभी से बता देता हूं मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का हस्बैंड बनने वाला हूं, और मेरी स्ट्रिक्टनेस हर जन्म में बढ़ती रहेगी। कितना वक्त बीत गया ना प्रेम, इंतजार के 12 साल, रोमांस के 12 साल। नताशा को ही घर सौंप कर। अनुज, मैं इस रूम का डेकोर चेंज करवाना चाहती हूँ। अरे अभी तो बना है। आई नो, बट डोंट यू थिंक इस कमरे को एक न्यूली मैरिड कपल के लिए डिजाइन नहीं किया गया है? आई मीन द कलर स्कीम्स, द फर्नीचर, सब थोड़ी डल है ना? डल नहीं, सोबर है, एंड जीजी लाइक्स इट दिस वे। ओके, वेल आई गेस देन आर टेस्ट्स आर डिफरेंट।
ये पूजा घर है, हमारे दिन की शुरुआत यहीं से होती है। आओ। और यहाँ मैं म्यूजिक स्कूल चलाती थी इसलिए कहा क्योंकि अनुज नहीं चाहता कि अब मैं काम करूं। ओह या, अनुज वाज टेलिंग मी आपने सिंगिंग में नेशनल लेवल पे कंपटीशन जीता था ना। वो बहुत पुरानी बात है। आओ। व्हाटएवर, बट यू वर टैलेंटेड। तो फिर आपने अपने पापा की डेथ के बाद इसे अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बना लिया? आई मीन व्हाई दिस म्यूजिक स्कूल? वो उस वक्त अनुज और संध्या छोटे थे और यह मेरा कमरा। वैसे आप अनुज और संध्या को किसी अच्छे हॉस्टल में भी भेज सकती थी जहाँ उनकी अच्छी से अच्छी एजुकेशन होती, ये उनके लिए भी अच्छा होता और आपके लिए भी। और हो सकता है आज आप भी नंबर वन सिंगर होती, बिल्कुल अपने बॉयफ्रेंड की तरह। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, इसे वेस्ट क्यों करें? पर एनीवे, इट वाज योर डिसीजन। बगल 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 हो जाओ। संध्या, भाभी के रूम में कैंडल ले जा जरा। है ना रोमांटिक? तो क्या किया पूरे दिन? क्या करती? दिन में 4 बार लाइट आई, लाइट गई, बस बोर होती रही। क्यों? संध्या जी जी थे ना? Why can't we shift from here? ये तुम क्या कह रही हो नताशा? You know what? कंपनी की तरफ से मुझे अरेरा कॉलोनी में एक बहुत अच्छा फ्लैट ऑफर हुआ है, with all the facilities, and it's such a beautiful area. I know, मुझे भी फ्लैट ऑफर हुआ है, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। You do the same, okay? Why can't we shift there? जानबूझकर पूरी जिंदगी अंधेरों में वेस्ट क्यों करें? और यहाँ पर तो लाइट की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी अनुज। नताशा, इतनी छोटी सी बात पर ऐसे रिएक्ट नहीं करते। लाइट आएगी, लाइट जाएगी, पर हम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। इधर देखो, कहाँ है अंधेरा? नताशा, जी, मुंह दिखाई की रस्म में तुम्हारे पहने के लिए बनवाया मैंने। सब लोग नई दुल्हन से मिलने आएंगे। लेकिन मुझे तो सब लोग देख चुके हैं। रस्म है नताशा, और फिर काफी ऐसे लोग भी हैं जो शादी में नहीं आ सके, वो भी तो दुल्हन से मिलना चाहेंगे ना। 6 बजे का फंक्शन है। हा? Look at this. आज शाम के फंक्शन में मुझे ये पहनना है। कौन पहनता है आजकल ये सब? It's so old fashioned. Come on, Natasha. जीजी ने कितने प्यार से बनवाया ना तुम्हारे लिए। और यकीन मानो, इसमें तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। Please अनुज, जिसे पहनकर मैं confident feel नहीं करती, I'm sorry, मैं वो नहीं पहन पाऊंगी। नहीं Natasha, तुम्हें यही पहनना है। We can't hurt जीजी। तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कल खुद आने वाली थी अनुज और नताशा को लेकर आपका आशीर्वाद दिलवाने। इस खुशी के मौके पर तो मुझे आना ही था।
तुम्हारी सगाई की अंगूठी मैंने आज भी संभाल कर रखी। माँ अनुज और संध्या। बहू कहाँ है? नताशा, प्रेम की माँ आई है। सॉरी, मैं अभी आई। नताशा, ऐसे क्यों उठ गई? नताशा, मुझसे और नहीं बैठा जाता, बस 2 मिनट और। आपका रिश्ता है, आप निभाइए। देखो नताशा, सब लोग आए हुए हैं, इस तरह रस्म के बीच से उठ के जाना अच्छा नहीं लगता। आई डोंट केयर कौन क्या कहता है, क्या बातें करता है। जब से आई हूं किसी के पांव छू रही हूं, किसी के पैर धो रही हूं, 2 घंटे से नमूना बनाकर बिठा रखा है मुझे। आई एम नॉट ओल्ड फैशन लाइक यू। तुमने सही कहा नताशा, शी इज ओल्ड फैशन, वरना ये आज इन सबको आशीर्वाद देने के लिए यहां नहीं बुलाती। यस, शी इज ओल्ड फैशन, वरना अपना घर बसाने के बजाय अपने भाई का घर बसाने का ना सोचती। तो ये तकलीफ है आपको कि इनके भाई का घर बस गया और आपका? नताशा, जानती हो क्या कहने जा रही थी तुम? क्यों, गलत क्या कहा है मैंने? सच तो ये है कि मैं इस घर में शादी करके आई हूं और ये बिना शादी के यहां आते हैं। नताशा, जश्न चलो प्रेम।